अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भेजन क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है। ये देखे जी, ये हमारा अपना भाड़ा है जहाँ पर हमारी भैंसें हैं। ये अब भाड़ा खा रही हैं। देखें जी, ये जो पहली पहली देख रहे हैं ये है जी नीलम की गाय। ये अब अपना भाड़ा खा रही है। देखे जिस भाई को भी हमारा ये चैनल अच्छा लगे, लाइक और सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। ये देखें, ये है नीलम नस्ल की भैंस, और इससे आगे वाली ये भी नीलम की है। ये देखें जी, ये अब घास खा रही है। ये दोनों एक एक से तकरीबन 15 किलो दूध है, और दूसरी से ये जो जिसके बाल कटे देख रहे, इससे 24 किलो दूध है भाई। 24 किलो दूध एक टाइम का, एक टाइम का। ऐसे नहीं देखें इन भैंसों को, ये आला नस्ल की भैंसें हैं दोनों। ये जो जिसके बाल नहीं है, ये तकरीबन मैंने 7 लाख रुपए की ली थी भैंस। मेरे पास 4-5 बारे भी आ चुकी है। अब ये वाली जो तकरीबन दूसरा बारा है मेरे पास, और ये देखें जी, ये हम आपको अपनी और भैंसें दिखाते हैं। ये देखें, ये भी हमारी भैंसें हैं। ये और ये जो पहली है सिंधन नस्ल की है भाई। ये भी भाड़ा खा रही है, इनका टाइम है अब भाड़ा खाने का। ये जो है जी, जिस भाई को ये पसंद है, लाइक और फॉलो ज़रूर करें, हमें कमेंट में भी हमारे साथ रब्ता करें। ये अच्छी लगें तो हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। ये जो सफ़ेद मत्थे वाली भैंस है भाई, इससे तकरीबन एक टाइम का 18-17 शेर दूध है जी। हाँ जी, ये और मज़े की बात बताएं, ये सेल भी है, फार सेल। ये सेल भी करनी है हमने। जिस भाई ने भी लेनी हो हमारे साथ कमेंट में रब्ता करें जी। हाँ, ये जो दूसरी भूरी भैंस देख रहे हैं आप, पंजाब की है ये। ये पंजाब की भूरी भैंस है, और ये अब थोड़ी कमज़ोर हुई पड़ी है। इस बेचारी को सर्दी का झटका लगा है, ये बीमार पड़ गया हमारे पास। हाँ जी, ये भी हमारी भैंसें हैं। ये देखें जी, ये जो आप भैंसें देख रहे हैं, आला और आला नस्ल की भैंसें हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। जिस भाई को हमारी भैंसें अच्छी लगी हैं, हमारे साथ ज़रूर कमेंट में रब्ता करें। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ज़िला डीजी खान में से। हाँ जी, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। और ये एक मिनट, आपको इनके बछड़े भी दिखा देते हैं। ये है इनके बछड़े, ये देखें, ये इनके बछड़े हैं भाई।